नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है सभी का ट्रैक्टर करवा हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शक्तिमान कंपनी का सेमी चैंपियन रोटावेटर और रेगुलर प्लस रोटावेटर के बारे में कंपैरिजन देखने वाले हैं। कौन सा रोटावेटर अच्छा है या कौन से रोटावेटर में क्या खासियत है, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सेमी चैंपियन और रेगुलर प्लस हमें क्या देखने को मिलने वाला है, ये हम जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम ट्रांसमिशन की। सेमी चैंपियन रोटावेटर में हमें मल्टी स्पीड गियर बॉक्स और एडजस्टेबल लोअर हिच ब्रैकेट देखने को मिलता है। वही रेगुलर रोटावेटर में मल्टी स्पीड गियर बॉक्स, एडजस्टेबल लोअर हिच ब्रैकेट भी देखने को मिलता है, यानी कि ये चीज़ें दोनों में समान है। अगर आप ब्लेड टाइप और ब्लेड की बात करेंगे तो सेमी चैंपियन रोटावेटर में हमें एल टाइप के ब्लेड देखने को मिलते हैं जो बनाए गए हैं बोरॉन स्टील से, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। वही हम रेगुलर प्लस के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी हमें एल टाइप के बोरॉन स्टील के ब्लेड देखने को मिलते हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें ड्राइव ट्रांसमिशन की, यानी कि ड्राइव। तो सेमी चैंपियन में हमें चेन ड्राइव और गियर ड्राइव, ये दोनों ड्राइव देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करेंगे रेगुलर रोटावेटर की तो इसमें भी हमें चेन ड्राइव और गियर ड्राइव, ये दोनों ड्राइव इस रोटावेटर में भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इस रोटावेटर का इस्तेमाल किस मिट्टी में करना चाहिए या किस मिट्टी के लिए ये रोटावेटर बनाए गए हैं। तो अब सेमी चैंपियन की बात करें तो सेमी चैंपियन रोटावेटर बनाया गया है हार्ड मिट्टी के लिए। वही रेगुलर रोटावेटर की बात करें तो ये बनाया गया है मीडियम और हार्ड मिट्टी के लिए। तो इसमें हम रेगुलर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इसका इस्तेमाल हार्ड सॉइल के लिए भी कर सकते हैं और मीडियम सॉइल के लिए भी कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके डेप्थ के बारे में। तो सेमी चैंपियन रोटावेटर लगभग 140 एमएम की डेप्थ दे देता है, वही रेगुलर रोटावेटर भी समान 140 एमएम की डेप्थ हमें दे देता है, यानी कि लगभग ये दोनों रोटावेटर बिल्कुल सेम है। सिर्फ मिट्टी के हिसाब से इन रोटावेटर का इस्तेमाल हमें करना है। अब इन दोनों रोटावेटर में एक और खासियत है तो वो भी हम आखिर में जान लेते हैं। तो ये है कि जो हमें सामने दिखाई दे रहा है ये 540 आरपीएम वाला पीटीओ रोटावेटर है, जो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 आरपीएम के रोटावेटर में, यानी कि सिर्फ इसके गियर बदल के हम इसे अपने दूसरे ट्रैक्टर के लिए 1000 आरपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों रोटावेटर में दी गई है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज के सेमी चैंपियन और रेगुलर प्लस रोटावेटर की कंपैरिजन जानकारी। तो आप बताइए आपको कौन सा रोटावेटर ज़्यादा अच्छा लगता है। अधिक जानकारी के लिए या फाइनेंस की किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.tractorkarwa.com इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या 9650933899 इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।